क्रैश, ओ अनदर क्रैश। 150 की स्पीड से पहुंच जाएंगे ना आप, पहुंच जाएंगे भाई, पहुंच जाएंगे। निखिल भाई भाई, बहुत टाइम बचे। सुजुकी के इवेंट में पहुंच गए, हमें नवसारी में रखा है स्ट्रॉन्ग का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है आगे, ऑलरेडी लिंक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था। ये अपना ग्रुप फॉर्म फिलअप हो चुका है, ऑलरेडी इवेंट स्टार्ट हो चुका है, इवेंट चल रहा है अपने एजाज भाई। क्या बोलते बस, हेलो हेलो भाई, हाउ आर यू? बस मजा में स्टार्ट। फर्स्ट टाइम है मेरा ऑन द ट्रैक। हो गए कह रहे जाऊंगा। निखिल भाई ने इंस्ट्रक्शन दे दी है, उसी तरीके से जाएंगे। पहला लैप शांति से करेंगे, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तभी थोड़ा बहुत स्पीडिंग करेंगे। ये सेकंड वाला थोड़ा हार्ड था। ये बंद पड़ गई थी मुझसे, बिकॉज ये टर्निंग रेडियस थोड़ा छोटा है और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। मेरी हाइट 5'6" से थोड़े से ऊपर है, सो मेरे पैर एकदम टच नहीं हो रहे और शूज़ का ब्रेक इन चल रहा है अभी तक, बिकॉज राइडिंग शूज़ बहुत पहनने को नहीं आते, लेकिन अभी ब्रेक इन हो जाएंगे उसके बाद तो मज़ा आएगा। इतना ज़्यादा सस्पेंशन झटका नहीं दे रहा है, मज़ा आ गया। उसके बाद एक और लैप लेते हैं। थोड़ा सा स्किड हो रहा है मिट्टी की वजह से, बाकी कंट्रोलेबल बाइक है। हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है, अब कॉन्फिडेंस आ गया, अभी मज़ा आ रहा है। फिर थोड़ी स्पीड मार दे, नहीं तो अपने हाइट उसे देना। ये बहुत अच्छे हाँ, खबर नहीं चाल नहीं लगता होता। पहले क्लच में थोड़ी सेटिंग पहले हो गई। सेकंड राउंड भी लेंगे, तगड़ा वाला लेंगे, इससे पहले सर्टिफिकेट ले आते हैं। थोड़ा आराम से
बाइक का भी संभालो, अपने आप को भी संभालो, क्योंकि ऐसा नहीं कि इवेंट यहाँ से हो बाकी सब राइडर रह जाए। रोड कंडीशन और ट्रैक की कंडीशन दोनों अलग अलग चीज है। आराम से जाओ, सबसे पहले घबराना नहीं है, जाना है। भाई गिर गया था, सूरत अच्छी की थी, स्टार्टिंग अच्छी की थी, लेकिन फोटो सेशन चल रहा है। ओह, अनदर क्रैश। एक्सपीरियंस क्या है भाई? एक्सपीरियंस एकदम और बाइक भी अच्छी है। ट्रैक थोड़ा छोटा है ना? हाँ, ट्रैक थोड़ा छोटा है, बाइक के हिसाब से थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, थोड़ा एडवेंचर ज्यादा होना चाहिए, एडवेंचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये बाइक बेस्ट फॉर टूरिंग है। एक ग्रुप से विकास भाई गए हैं, ब्लैक वाली बाइक भी खूबसूरत लगती है। बॉस चल रहा हूँ मांगे, हमारा बॉस आखिरी में आएगा। ने मयंक भाई, अपने सोनू भाई, उधर सोनू भाई दीवाल में चढ़ा देते, डायरेक्ट बीजा टकरा पर, डायरेक्ट पहला टकरा पर। अगर 150 की स्पीड से पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे भाई, अलाइनमेंट खड़ा ही है। बस चलो चलो, हम लोग वेट कर रहे हैं। ग्रुप के एडमिन जा, श्री 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 कृणाल सर, फर्स्ट लैप शांति से ही करेगा मुझे पता है, उसके बाद कुछ ना कुछ चालू होगा नाटक। लाल सर, लास्ट लैप, लास्ट कृणाल सर, सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द बाइक? एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, सर खास सर आपने तो दो दिन पहले वो थार ली है, नई वाली वो बाहर रखी है, वो पुजाने के लिए।
तो सर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, मजा आया? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, 50 इयर्स से राइडिंग कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा ऑफ रोड ट्रैक में सुजुकी टीम हैज डन अ वेरी गुड वर्क हियर, स्पेशली थैंक्स टू पीपल हियर फ्रॉम नवसारी, जिन्होंने इतना बढ़िया ट्रैक क्रिएट किया है एंड हम जैसे स्टॉलवर्ड्स को एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे आकर के इस ट्रैक में कैसे चलाना है। कूडोज टू द बाइक टू, इसका लॉन्च काफ़ी पहले हो चुका है शायद, लेकिन हमने किसी ने सोचा नहीं था कि इसका परफॉर्मेंस इस लेवल तक हो सकता है। स्पेशली यहाँ पे जो इन्होंने बम्प्स बनाया हुआ है, सेकंड बम्प से जिसने ट्रैवल डिस्टेंस लिया हुआ इस बाइक ने, दैट इज फिनोमिनल एंड बाइक इज रियली इंप्रेसिव, चलाने में कंफर्ट है, एट द सेम टाइम इट इज नॉट वेरी हैवी, तो एक हल्का फुल्का राइडर भी जो है कंफर्टेबली चला सकता है इसमें। आई एम रियली हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू द पीपल हियर, टू द ऑर्गेनाइजर्स हियर। हाँ सर, आपकी एज क्या है? आई एम रनिंग 58 नाउ। और आपने स्टार्टिंग कौन कौन सी बाइक से की थी? आई स्टार्टेड ऑफ विद बुलेट। बुलेट कौन से साल में? जो हर एक राइडर का ड्रीम होता है बुलेट। बुलेट तो हमने बुलेट जब स्टार्ट किया था तभी राइडिंग का इतना फैशन भी नहीं था, इधर कल्चर नहीं था, तो उस जमाने में किया था लगभग 28-30 साल पहले। और वी स्ट्रॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वी स्ट्रॉन्ग आपने चलाई? यस, ये व्हीकल जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसका परफॉर्मेंस लेवल इज मच हायर देन व्हाट इट लुक्स, दिखने में जितना खूबसूरत है उससे बहुत ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस है। द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट द बाइक वाज की हाइट अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है, ट्रैवल अच्छा है इसके, आगे के सस्पेंशन में जो ट्रैवल दिया हुआ है इन लोगों ने, सुजुकी ने बहुत सोच समझ के दिया हुआ है। सो मैं जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कम से कम 8-10 इंच का तो ट्रैवल मैंने दिखा हुआ है इस डर्ट पे, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट वेरी हैवी, एक हल्का फुल्का आदमी भी जो है ना इसको आराम से चला सकता है इस व्हीकल को। सो ओवरऑल वी स्ट्रॉम इज अ वेरी गुड बाइक। आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को भी ऑफ रोडिंग करने का इंटरेस्ट है तो आई वुड ग्रेट दिस इज बेटर देन हिमालय, यू शुड गो फॉर इट। ट्यूबलेस है, स्पोक्स है एट द सेम टाइम, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब परफॉर्मेंस लेवल इसका बहुत हाई है, इट्स गुड। थैंक्स लॉट। थैंक यू सर। माय नेम इज जय जानी, आई एम राइडिंग टीवीएस अपाचे RR 310, राइडिंग सिंस 2.5 ईयर एंड इट्स बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग चलाने वाले स्पोर्ट्स बाइक लोग हैं, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग बाइक चलाना मतलब एक टोटली न्यू एडवेंचर है, न्यू एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप। और हमने राइडिंग पोस्चर भी देखा, काफ़ी अलग है, काफ़ी कंफर्टेबल है ऑफ रोड में, तो इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर हियर। और अभी तो मन में थॉट आ रहा है कि एक एडवेंचर बाइक भी होनी चाहिए हमारे पास, मतलब कम सीसी में इतना एक्सपेक्ट, इतना पावर जो गाड़ी का जो होती है, जो गाड़ी का पिकअप, जैसे फर्स्ट गियर में जाकर सुपर निकलना है या कॉर्नरिंग पे निकलने या गाड़ी ऑफ रोडिंग में क्या स्लिप खा बहुत कम है, उसके टायर बहुत फीचर अच्छे हैं। और मैं किसी को स्टनिंग का करना है या फिर किसी को एडवेंचर बाइक या लो बजट में जाना है तो सबसे अच्छा बेस्ट क्या ये गाड़ी है? मैं एक तो जनरली 3 साल से राइडिंग कर रहा हूँ, पर मेरी जो बाइक है वो फुल फेयरिंग बाइक है, मैं TVS RR 310 राइड करता हूँ, तो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने एडवेंचर बाइक राइड करी है। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि मैं ऑब्वियसली इसके बाद एक एडवेंचर टूरर बाइक लेना ही चाह रहा हूँ, बहुत रेयर केस में आती है, और ये स्पेशली मैं तो कहूँगा अगर इसको लद्दाख लेके जाना होगा तो मैं बिल्कुल लेके जा सकता हूँ, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल 4 out of 5 रेटिंग दूंगा मैं, बट 1 स्टार थोड़ा सा एक बैकअप में रहेगा हमेशा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। लद्दाख रिटर्न, इंजन बिगड़ गया था पंजाब में, फिर भी लद्दाख घूम के आए हैं, इसकी गाड़ी हमारे पास, फिर घर आके इधर आ गए ना, नवसारी आके इंजन बनाया वापस बिगड़ा है बगड़ भाई। मैंने गाड़ी रिटायर हट कर दी, वो गई है गाड़ी अब गैरेज में, वो चली गई भाई, भाई वो वीडियो बताए ना, दिखाइए ना पब्लिक को, अभी अभी आएगा। हाँ, भाई का क्रैश पूरा लिंक इनके इंस्टाग्राम पे, भाई LIC में काम करते हैं। यहाँ पे सब अपना रिव्यू लिख रहे हैं, वो हजा लगना हजी गाड़ी हो जी।
धुना लगा दे मीन्स बहुत अच्छी बाइक लगी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। उठाओ फटे का फटे नवा भी ना घटे। सेकंड राउंड है मेरा, पिछली बार से इस बार पूरा कॉन्फिडेंस के साथ निकाला कीचड़ में से, मजा आ गया। निखिल भाई जा रहे हैं, पूरा दिन इंस्ट्रक्टर का काम किया था, अभी जा रहे हैं। इवेंट ऑलमोस्ट डन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्ट।